शिवपुरी जिले के ककेरा तहसील में स्थित धार्मिक स्थान साई का तकिया पर सूफी मलंग बाबा करामात अली पर उस समय हमला हो गया जब वह दरगाह पर फतीहा पढ़ रहे थे। बाबा करामात अली ने आरोप लगाया है कि तकिया में पूर्व से मौजूद हाफिज जाकिर व उनके पुत्र जिशान सादिक द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीना गया व गंदी गंदी गालियाँ दी गई व जान से मारने की धमकी के साथ ही ये भी कहा गया कि तू इस तकिए में नहीं आ सकता। इस पूरे मामले की शिकायत बाबा करामात अली द्वारा केकरा थाने में की गई है। सूफी मलंग पर हुए हमले के विरोध में ग्वालियर से सूफी रजाक बाबा के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक सूफियों ने शिवपुरी में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हमले के उक्त आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला यह है कि मलंग बाबा दिलदार शाह की मौत के बाद से तकिया पर काबिज होने को लेकर विवाद चल रहा है। एक तरफ डबरा के हाफिज जाकिर अली अपने बेटे जिशान को वसीयत के आधार पर गादी पर बिठाना चाहते हैं, जबकि सूफी मलंगों का कहना है कि मलंग की गादी पर मलंग ही बैठेगा। यह लड़ाई अब SDM कोर्ट से निकलकर शिवपुरी कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई है। वंदे भारत के लिए शिवपुरी से अशरद अली। क्या नाम है सर? मैं अहमद अली शहर काजी डबरा। जोर जो बोली। मैं अहमद अली शहर काजी डबरा। कलेक्ट्रेट में आप जब ज्ञापन देने आए, क्या कुछ मामला है आपका? मामला ये है, ये करेरा बड़ा साईं के तकिए का मामला करकरा है जी। वहाँ के जो साहिब सज्जादा थे, गद्दी नशीन थे, बाबा दिलदार अली शाह जी, उन्होंने सन 2016 में मेरे सामने और पूरा बहुत एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इसमें सारे मलंग हजरात जमा हुए थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने अपना एक बालका चुना था, शिर चुना था, उत्तराधिकारी चुना था, शान खान जी। तो उसके बाद फिर जब उनका अंतिम समय आया निर्धन का, अभी 2022 में जी, तो उन्होंने जो है शानुक बाबा को बुलाया और उनके पिता श्री हाफिज जाकिर हुसैन साहब कादरी को डबरा के आप अर्जेंट आइए और शानू बाबा को लेकर आइए। वो शानू बाबा को लेकर पहुँचे, वहाँ काफ़ी मलंगों को उन्होंने इकट्ठा किया, जिम्मेदार शहर के लोग इकट्ठे किए, वो उस वक़्त कोटा में थे अपने शिष्य के यहाँ, और उन्होंने वसीयत की अपने होशो हवास में। वो सारा का सारा जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी वीडियोग्राफी मौजूद है। वो श्रीमान कलेक्टर महोदय, अगर क्या आश्वासन दिया आपको अभी कलेक्टर को? कलेक्टर साहब ने कहा मैं इस पर पूरी विवेचना करता हूँ और इसका अंतिम आदेश भी SDM करेरा ने शानू बाबा के हक में किया है कि इसको हमने पुजारी नियुक्त किया है जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको बैठने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे, झूठी शिकायतें कर रहे हैं। कुछ बड़ी प्रॉपर्टी है क्या इसमें? हाँ, प्रॉपर्टी तो काफ़ी है। प्रॉपर्टी में ये है कि ज़मीनें हैं तकिए के नाम पर लगी हुई हैं, काश्तकारी की ज़मीन है जी। हाँ, किस नाम से? साईं की तकिया करेरा।